आई होप आपके साथ हमारी पहली मुलाकात है आपके इस बैच में। साइंस सेगमेंट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, सलील वाजपेयी, मैं साइंस फैकल्टी सफलता क्लासेस में तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो एसएससी जीडी के एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपका ये एग्जाम जो है वो 10th स्टैंडर्ड के बेसिस का रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें जीएस सेक्शन में सॉरी ओके तो जीएस सेक्शन में आपका जो साइंस आता है वो बेसिक 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है भाई, तो मैकेनिक्स का पहला क्लास हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। फिजिक्स में यूनिट क्या होती है, मात्रक जो होते हैं वो कितने टाइप से डिफाइन किए गए हैं, फिर हम मात्रकों को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं, कौन कौन से मात्रक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, पारसेक, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इन सब के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक बातें आज के सेशन में हम यहाँ पे करने वाले हैं, फंडामेंटल यूनिट के बारे में, डिराइव्ड यूनिट के बारे में, ये सारी बातें करने वाले। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बेसिक सेशन होगा जिसमें बेसिक बातें ही होंगी, और एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं नोट से ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन जाते। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं स्टार्ट आज के सेगमेंट को। तो सबसे पहले क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान आखिरकार होता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वांटिटी, यानी कि राशियां क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट, यानी कि भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपके पेपर में लंबाई के कुछ मात्रक हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो। उसके बाद आपके लिए क्विज है जो आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, डायमेंशंस आपके पेपर में नहीं आते हैं, तो डायमेंशंस को लीव आउट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान आखिरकार है क्या। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं पदार्थ मीन्स मैटर के बारे में और एनर्जी ऊर्जा एनर्जी के बारे में, और इनके बीच क्या रिलेशन होते हैं, किस तरह से ये परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, एंड इंटरेक्शन, ठीक है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो पदार्थ, ऊर्जा और उसके बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वही साइंस की ब्रांच भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाती है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, क्वेश्चन आता है भौतिक विज्ञान क्या है, तो आंसर है पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो सामंजस्य है या अन्योन्य अभिक्रियाएं हैं उनकी स्टडी ही भौतिक विज्ञान कहलाती है। पहला क्वेश्चन तो आपका एक छोटू सा यहीं से बनता है। ठीक है भाई, अच्छा अब पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं राशियों की। अगर हम राशियों की बात करें फिजिक्स में, क्वांटिटीज की बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, राशियां दो प्रकार की बनाई गई हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, पहला है भौतिक राशियां, और सेकंड वन इज नॉन फिजिकल, यानी कि गैर भौतिक राशियां। तो ये फिजिकल यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, वो क्वांटिटीज या वो राशियां जो मेजरेबल है, मेजरेबल है यानी कि जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, वो सारे के सारे भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे मेरी लंबाई नापी जा सकती है तो लंबाई एक भौतिक राशि है। एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो लेंथ, लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। मेरा द्रव्यमान नापा जा सकता है तो मास एक भौतिक राशि है। किसी भी चीज का आयतन, यानी कि मान लो आपके पास एक बॉटल है, उसका वॉल्यूम नापा जा सकता है, आयतन, तो वो एक भौतिक राशि है।
किसी भी जगह का क्षेत्रफल नापा जा सकता है, एरिया भौतिक राशि है, तो वो सारी ही भौतिक राशियां जो मेजर की जा सकती हैं वो आपके फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो फिर नॉन फिजिकल क्या हो गई? नॉन फिजिकल में आपकी वो आती हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, नॉन फिजिकल वो होती हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, नॉट मेजरेबल, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। वो आप क्या कहलाते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, आपके फीलिंग्स, अब आपकी फीलिंग्स यानी कि आपके मन में जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं उसको कोई नहीं माप सकता। आपके थॉट्स, आप क्या सोच रहे हैं वो कोई मेजर नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स कितना बड़ा है ये हम नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे गैर भौतिक राशियों में आते हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अच्छा, हमें गैर भौतिक राशियां तो नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, भौतिक राशियां पढ़नी है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर अगर भौतिक राशियां मापी जा सकती हैं तो उनको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने की भी तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना मेजर किए आप उसको बता ही नहीं सकते कि भौतिक राशि कितनी है। तो उसके लिए मेजरमेंट करने की नीड पड़ी, और जब मेजर करने की नीड पड़ी तो मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मात्रक भी जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि मापने के लिए मात्रक का होना बहुत जरूरी है। बिना मात्रक के, बिना किसी स्टैंडर्ड के आप किसी चीज को नहीं मेजर कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यूनिट बनाना स्टार्ट किया। और यूनिट जब बनाने की बारी आई तो इतनी सारी भौतिक राशियां थी तो सबके लिए अलग अलग यूनिट बनाने में, फिर उनको याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि हम सारी भौतिक राशियों के लिए मात्रक नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले भौतिक राशियों को दो टाइप में बांट लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में किया जाता है, गणित में किया जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में बात करें तो नंबर कितने होते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि संख्याएं कितनी होती हैं तो आप कहोगे सर बहुत सारे नंबर होते हैं, अनंत संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे मूल रूप से कितने नंबर होते हैं, फंडामेंटल नंबर कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 10। कहां से कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इनके अलावा कोई नया नंबर बनता है? सारे के सारे नंबर इन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं मूल संख्याएं, यानी कि फंडामेंटल नंबर। और इनकी हेल्प से जो नंबर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न संख्याएं, यानी कि डिराइव्ड नंबर, जैसे 10, 11, 12, ये सब इनकी हेल्प से बनाए गए। ऐसे ही इन्होंने भी किया, उन्होंने कहा कि भौतिक राशियों को भी दो तरह से बांट लो, कौन कौन सा, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब मूल राशियां, और डिराइव्ड का मतलब हो गया व्युत्पन्न राशियां। ठीक है भाई, ये दो तरह से हमने बांट ली। मूल राशियां उन्हें कहा गया, किन्हें कहा गया, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के चलना है। मूल राशियां उन्हें कहा गया जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? मूल राशियों पर, जैसे नंबर होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, वैसे यहां पर ये होती हैं निर्भर। और किस पर निर्भर होती हैं भाई? मूल राशियों पर। अच्छा भाई, अब इनको नापने के लिए जो मात्रक बनाए गए वो कहलाए मूल मात्रक, इनको मात्रक
मापने के लिए, यानी कि टू मेजर, हमने जो यूनिट बनाए वो कहलाए फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल मात्रक। और इनको मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट बनाए वो कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है भाई, ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है। मूल मात्रक कितने होते हैं और मूल राशियां कितनी होती हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे मूल संख्याएं कितनी हैं 10, वैसे ही मूल मात्रक जो होते हैं, मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां हैं और उनको मापने वाले मात्रक भी 7 हैं, और व्युत्पन्न जो है वो अनगिनत है, बहुत सारी है, तो वो आपकी अलग होती है। ठीक है, ये आपको सिंपल सा रिलेशन यहाँ पे याद रखना है। ठीक है भाई, इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं यहां से आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मौलिक और व्युत्पन्न राशि। तो हमने आपको मूल राशियां बता दी हैं, मूल राशियों के साथ साथ मूल मात्रक बता दिए। मूल मात्रक जब बनाए जा रहे थे तो अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक बना लिए, सिस्टम बना लिए। कौन कौन से सिस्टम बना लिए भाई, वो देख लेते हैं। MKS, CGS और FPS, तीन तरह के सिस्टम बन गए। देखो भाई, MKS सिस्टम कहता है कि जब कभी भी हम लंबाई नापेंगे तो उसको मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान मास किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। सीजीएस कहता है नहीं, हम तो लंबाई सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। एफपीएस कहता है नहीं नहीं, हम तो फुट में नापेंगे लंबाई, मास पाउंड में, और समय को सेकंड में। यही इनका फुल फॉर्म होता है। आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, सीजीएस का फुल फॉर्म बताओ, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड, और इसका होता है फुट पाउंड सेकंड। यही इनके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये जो सिस्टम यूनिट है वो अलग अलग देशों में यूज की जाती है। जैसे एमकेएस वाली एशिया में यूज होती है, अपने इंडिया वगैरह में। एफपीएस ये ब्रिटेन में यूज होती है, लंदन वगैरह जाएंगे तो वहां यूज हो जाएगी। अब एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि मान लो आप कोई मिठाई लेके गए, 1 किलो की मिठाई थी, आपने इंडिया में उसको मेजर किया तो वो तो 1 किलो निकली, लेकिन आप लंदन में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, वो तो पाउंड में नापेगा, और पाउंड में नापेगा कह देगा भाई देखो इतनी दूर से आए, वो भी इतनी कम मिठाई लेके आए। तो ये बड़ी समस्या हो रही थी मेजरमेंट को लेकर। तो फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्ट हो जाए। तो उन्होंने बनाया कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि किसी भी मात्रक को मापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है भाई, ये एसआई सिस्टम बनाया गया। एसआई सिस्टम में जो लंबाई को मेजर किया गया, यानी कि लेंथ को मापा गया, तो उसके लिए मात्रक बनाया गया क्या, मीटर। ठीक है भाई,
लेकिन जब द्रव्यमान की बात आई तो उसके लिए जो मात्रक बनाया गया वो बनाया गया किलोग्राम, और टाइम की बात करें यानी कि समय के लिए जो मात्रक बनाया गया वो बनाया गया सेकंड, बिल्कुल एमकेएस की तरह ही। तो इस तरह से एसआई सिस्टम में कहा गया कि ये सिस्टम में अगर हम नाप रहे हैं तो ये पूरे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में अवेलेबल होगा, आप चाहे जहां जाएं ये मात्रक नहीं बदलने वाले। ठीक है, तो एसआई सिस्टम यहां से जनरेट होता है। तो चार प्रकार के सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। तो चारों आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है भाई, अच्छा अब बात आती है कि वो सात फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन कौन से, मूल राशियां कौन सी हैं और उनके लिए यूज होने वाले मात्रक कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे समझना है भाई। तो वो सात मूल राशियां कौन कौन सी हैं देखो भाई, सबसे पहली मूल राशि है लंबाई। लंबाई यानी कि लेंथ, तो सबसे पहला आपका क्या आ गया भाई, लेंथ आ गया, लंबाई आ गई। दूसरा हो गया मास यानी कि द्रव्यमान। तीसरा है टाइम यानी कि समय। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि ऊष्मीय तापमान। फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स ज्योति तीव्रता। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मींस पदार्थ की मात्रा। अब ये हैं सात प्रकार की आपकी फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको मापने के लिए जो एसआई सिस्टम में मात्रक यूज किए गए, ये सारे के सारे मात्रक कैसे हैं एसआई सिस्टम में, तो इसके लिए यूज किया गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। तापमान का एसआई मात्रक कैल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस मत लगा देना पेपर में, डिग्री सेल्सियस सीजीएस यूनिट होती है, होता है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है। तो ये सात प्रकार की भौतिक राशियां हैं और उनके लिए जो मात्रक यूज किए गए वो भी ये रहे। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, तापमान कैल्विन, विद्युत धारा एम्पला सॉरी विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये आपके बेसिक हो गए। इसके बाद आपके दो सप्लीमेंट्री यूनिट पे होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि पूरक मात्रक, जो किसको मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, एंगल यानी कि कोण मेजर करते हैं। ओके, ये एंगल नापते हैं। दो प्रकार से एंगल नापे जाते हैं, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, मेंसुरेशन जब पढ़ाई जाती है। एक होता है प्लेन एंगल जो कि बनता है टू डायमेंशन में, जैसे ट्रायंगल में जो एंगल आप निकालते हो थीटा, ये प्लेन एंगल होता है। आप सर्कल में जो एंगल बनाते हो गोले में सॉरी वृत्त में, गोले में नहीं वृत्त में जो एंगल बनाते हो, ठीक है, सर्कल में। आप लाइन के बीच जो एंगल बनाते हो, ये सारे के सारे टू डायमेंशन में होते हैं, 2D होते हैं। तो 2D जो होते हैं वो कहलाते हैं प्लेन एंगल, समतल कोण। और इनको नापने का लिया हम मात्रक यूज करते हैं रेडियन। इनके लिए मात्रक क्या यूज किया जाता है, रेडियन यूज किया जाता है भाई। सिंपल सा मात्रक यहाँ पे याद रखना है, रेडियन। आपने देखा होगा डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन को डिग्री के में बदलो, इस तरह के न्यूमेरिकल भी पेपर में बहुत आते हैं, ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है। इसके बाद दूसरे आते हैं सॉलिड एंगल जो कहलाते हैं ठोस कोण। ठीक है, सिंबल इसका CD लिखा जाता है भाई, इसको CD लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है ना CD, बस ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अच्छा 3D में बात करें तो ठोस कोण होता है थ्री डायमेंशन, यानी कि ये 3D में काम करता है। जैसे आप बात करें गोले की, स्फीयर, इसकी बात करें स्पेयर, स्पेयर जो एंगल बनाता है, गोला जो एंगल बनाता है वो आपका 3D एंगल होता है जो कि स्टेरेडियन में नापा जाता है।
किसमें नापते हैं, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। फिर आप बात करें शंकु की, शंकु आपका क्या बनता है, 3D बनता है ऐसे। तो ये जो एंगल बनाता है, ये सारे के सारे एंगल आपके क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये ठोस कोण 3D में होते हैं और ये आपके स्टेरेडियन में नापे जाते हैं, इनमें रेडियन मात्रक नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री भी आपको याद रखना है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, अब यहां से क्वेश्चन आता है। द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मूल मात्रकों की संख्या होती है, और आपके चार ऑप्शन है 7, 9, 11, 13, यानी कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताओ भाई। ओके, सब लोग कह रहे हैं सर 7 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आपको यहाँ पे समझना है। क्या करेक्ट आंसर है? 9। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, ये दो, ये भी मूल मात्रक में ही गिने जाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 9 है तो आप 9 टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 9 होता ही ना, मान लो 7, 11, 13 और 6, तो अब आप 7 चूज करते, सही होता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर 9 है तो 9 होती हैं, और अगर नहीं है 9 ऑप्शन में तो आप 7 चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा आंसर। ठीक है, ये लॉजिक याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाए तो फंडामेंटल जो 7 आप पढ़ के आए और 2 सप्लीमेंट्री, उनको छोड़ दो, दुनिया में जो कुछ भी बच गया सब डिराइव्ड है। जैसे नंबरों में 0 से 9 तक छोड़ दो, बाकी जो कुछ है वो सब व्युत्पन्न संख्याएं, वैसे यहां पर भी है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी पढ़ो, जैसे फोर्स, बल के बारे में पढ़ा तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला होता है F=ma। तो देखो इसके पास फॉर्मूला है, जिसके पास फॉर्मूला है वो सब व्युत्पन्न है, जिसके पास अपना खुद का फॉर्मूला है समझ जाओ वो सब व्युत्पन्न है, डिराइव्ड है। बल एक डिराइव्ड है क्योंकि फंडामेंटल से देखो यूज करके बनाया गया। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। तो ये क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये भी डिराइव्ड है। तो जितने भी अब आपको भौतिक राशियां मिलेंगी जिनके पास फॉर्मूला होगा वो सब डिराइव कहलाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सी बात आपको दिमाग में बैठा के चल। तो फंडामेंटल और डिराइव दोनों में अंतर समझ में आ गया, कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को कोई भी पॉइंट अगर पूछना हो तो बताइए। एनीवन, क्लियर सभी को? एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना भैया, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां से फंडामेंटल डिराइव तो सीख लिया, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट में सबसे पहला आता है लंबाई के कुछ मात्रक जो आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ, यानी कि लंबाई के कुछ स्टैंडर्ड मात्रक। ठीक है, अब लंबाई के कुछ छोटे मात्रक सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर बड़े मात्रकों की तरफ चलेंगे। पहले कुछ स्मॉल यूनिट्स, छोटे मात्रक। अब देखो डिपेंड करता है ना लंबाई कैसी है, उसी हिसाब से यूनिट यूज की जाती है। जैसे अगर मुझे ये पेन की लंबाई नापनी है तो मैं सेंटीमीटर यूज करूंगा, मुझे अपने घर की लंबाई नापनी है तो मैं मीटर यूज कर लूंगा, मुझे अपने घर से कॉलेज की लंबाई नापनी है तो किलोमीटर यूज कर लूंगा,
तो अलग अलग लंबाई के लिए अलग अलग मात्रक यूज किया जाता है। ऐसे ही एक छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो भी छोटा लंबाई नापने के काम आता है। क्या नापता है? ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के काम आता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापनी है, एंगस्ट्रॉम मात्रक यूज कर लीजिए। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10^-10 मीटर। ये आपसे पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम कहाँ यूज होता है और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापता है, वेवलेंथ, और इसमें 10^-10 मीटर होते हैं। अच्छा भाई, दूसरे की बात करते हैं, सेकंड छोटा यूनिट। दूसरा आता है फर्मी। फर्मी एक छोटा यूनिट और होता है। फर्मी का प्रयोग करते हैं नाभिक की त्रिज्या नापने में। क्या नापते हैं भाई? न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, यानी कि नाभिक, नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी। आपको पता है एटम के सेंटर पे एक नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो किस कोटि की होती है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? तो वो होती है 1 फर्मी, 1 फर्मी। अब आपसे पूछा जाता है 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो वो होता है 10^-15 मीटर। ये नाभिक की त्रिज्या नापता है। अच्छा भाई, तीसरा आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनो पार्टिकल यानी कि बहुत छोटे कणों की लंबाई नापता है और साथ ही साथ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी नापता है, दोनों चीजें नापता है। तो नैनोमीटर का मतलब हुआ कि 1 नैनोमीटर बराबर 10^-9 मीटर होता है, 10^-9 मीटर होता है। यह भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के काम आता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, वो आपको बता देते हैं जल्दी से, उनको नोट कर लेना भाई। जैसे एक आता है आपका पिकोमीटर। पिकोमीटर, पिकोमीटर जो होता है वो होता है किसको नापता है भाई? परमाणु की त्रिज्या नापता है। अभी हम नाभिक की त्रिज्या पढ़ के आए हैं, अब परमाणु की त्रिज्या अगर नापनी है तो उसके लिए पिकोमीटर यूज करते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो भाई 10^-12 मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड है जो आपको पता है, जैसे एक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कितना होता है भाई? -6 मीटर होता है। एक मिलीमीटर, मिलीमीटर में होता है 10^-3 मीटर। सेंटीमीटर तो आप सब लोग जानते हो, 1/100 यानी कि 10^-2 मीटर। ये सारे के सारे आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। छोटी यूनिट्स इतनी ही आपसे पूछी जा सकती हैं, बाकी कुछ खास नहीं आता। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जितनी भी स्मॉल यूनिट्स है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, छोटे यूनिट्स देख लिए, अब बात करते हैं कुछ बड़े मात्रकों के, लंबाई के कुछ बड़े मात्रक, लार्ज यूनिट्स। ये भी आपके पेपर में बहुत आते हैं। लार्ज यूनिट्स में बात करें तो सबसे पहला मात्रक आपका बनता है लाइट ईयर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष देख के ये मत कह देना कि सर ये तो समय का मात्रक है ना, ये किसके मात्रक हैं? लंबाई के। ये सब लंबाई के बड़े मात्रक हैं। ये क्या नापते हैं भाई? ये नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी कि खगोलीय दूरियां। एक प्रकाश वर्ष क्या हो? कौन सी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष वो डिस्टेंस होती है जो लाइट एक साल में कवर करती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है निर्वात में?
लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक है भाई, ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब इस चाल से जब लाइट 1 साल तक लगातार चलती रहती है तो वो जो दूरी तय करती है वो कहलाती है 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं ये आपसे पूछा जाता है, 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर होते हैं भाई। ओके, ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना अच्छे से कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बड़ी दूरियों का मात्रक है। और साथ ही साथ यहां पर यह याद रखना है कि प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय होती है, तो 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर दूरी तय होती है। अच्छा, अब दूसरा बड़ा मात्रक देखते हैं भाई। दूसरा बड़ा मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, ये कौन सी दूरी होती है, ये भी लंबाई का ही बड़ा मात्रक है। क्या है ये? सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, औसत दूरी कहलाती है। तो हमारे सूरज और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, वही एक खगोलीय दूरी कहलाती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी में कितने मीटर होते हैं, तो कुछ किताबों में लिखा होता है 1.49 × 10⁻¹ मीटर, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1.5 × 10⁻¹ मीटर। ठीक है, ये दोनों ही आपके वैल्यू होते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, और ये भी लंबाई का ही मात्रक है, सूर्य पृथ्वी के बीच का औसत दूरी। इसके बाद अगला आता है पारसेक। पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है भाई, ये क्या होता है? पारसेक जो है वो प्रकाश जब एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश अपने रास्ते से 1 डिग्री एंगल पे मुड़ता है, तो मुड़ने में वो जितनी दूरी तय कर गया है वही पारसेक कहलाती है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है भैया, तो बस इतना सा लॉजिक था। अब यहां से एक ट्रिक क्वेश्चन आता है। पारसेक आपको याद रखना है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक ट्रिक क्वेश्चन आता है क्या, पैरालिटिक सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पैरालिटिक सेकेंड इनमें से किसका मात्रक होता है आपको ये बताना। पहला टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, या फिर नन ऑफ देम। तो बताओ भाई जल्दी से, पैरालिटिक सेकेंड इनमें से किसका मात्रक होता है, समय, चाल, दूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलो भाई, स्पीड का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, नन ऑफ देम, किसी का नहीं होता। अच्छा ओके, दो तीन लोग कह रहे हैं सही आंसर, रोशनी जी और सिमरन जी का आंसर सही है, बाकी 4 ही लोगों ने आंसर ही दिया है भाई। करेक्ट आंसर है डिस्टेंस, यानी कि दूरी का मात्रक होता है। पैरालिटिक सेकंड कोई नया मात्रक नहीं है भैया, पैरालिटिक सेकंड पारसेक का ही फुल फॉर्म होता है। पारसेक ये है पैरालिटिक और ये है आपका सेकंड। ठीक है, पैरालिटिक सेकंड का ही फुल फॉर्म पारसेक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए लंबाई के कुछ बड़े और कुछ छोटे मात्रक जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये सारे ही मात्रक आपको क्लियर है।
किसी को भी इन मात्रकों में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, पास्कल नहीं बोलते भैया, पास्कल अलग मात्रक है। पास्कल यूनिट होता है दाब का, पास्कल दाब का मात्रक है और पारसेक दूरी का एक मात्रक है। दोनों में अंतर है। पास्कल दाब नापने के काम आता है, ठीक है? अच्छा, वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया नाम। चलो अब आते हैं द्रव्यमान का एक मात्रक, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में। बाकी मात्रक तो द्रव्यमान के आपको आते हैं, किलोग्राम, टन, कुंटल, ये सब आपको आता है, ये हम नहीं बता रहे हैं। एक मात्रक जो थोड़ा सा अलग है वो बता देते हैं, वो है 1 CSL। 1 CSL का मतलब होता है एक चंद्रशेखर सीमा, यानी कि 1 चंद्रशेखर लिमिट, इसको ये भी कहा जाता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये किसका मात्रक है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका द्रव्यमान नापता है? ये द्रव्यमान नापता है स्टार्स का, यानी कि तारों का, ठीक है? तारों का द्रव्यमान नापता है। क्या है ये 1 CSL? 1 CSL का मतलब होता है 1.4 times मास ऑफ द सन। सन यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना क्या कहलाता है? 1 CSL, 1 चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। एक्चुअल में ये मात्रक दिया क्यों गया था, उसका कारण क्या था? एक्चुअल में जब तारों की डेथ हो जाती है, यानी कि जब तार मर जाते हैं तारे, तो वो तारे मरने के बाद दो चीजें बनते हैं। या तो वो बन जाएंगे ब्लैक होल, आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में, है ना? या तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं मरने के बाद, या फिर वो मरने के बाद बन जाते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है? व्हाइट ड्वार्फ एक सफेद रंग का जलता हुआ गोला, बिल्कुल सफेद, वो होता है व्हाइट ड्वार्फ। ब्लैक होल आप लोग पता ही है, वो दिखता है नहीं, ठीक है? अच्छा, तो ब्लैक होल या व्हाइट ड्वार्फ वो बन जाते हैं। अब भैया ब्लैक होल कब बनेगा कोई तारा और कब बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, इसी बात को एक्सप्लेन किया था चंद्रशेखर सर ने। उन्होंने कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान मास ऑफ एनी स्टार, किसी भी तारे का द्रव्यमान क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे? 1 CSL से। यानी कि किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर 1 चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुने से ज्यादा है, तो वो तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनता है। लेकिन अगर किसी तारे का द्रव्यमान मास ऑफ एनी स्टार, यानी कि किसी भी तारे का द्रव्यमान लेस देन या इक्वल टू है 1 CSL से, यानी कि 1 चंद्रशेखर सीमा से कम या उसके बराबर है, तो वो मरने के बाद व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। बस यही इसका सिंपल सा लॉजिक है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है? तो द्रव्यमान का एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है 1 CSL। 1 CSL मतलब 1 चंद्रशेखर सीमा, जिसका मतलब है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना। 1 CSL कहता है कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.5 गुने से ज्यादा है, तो वो मरने के बाद ब्लैक होल बनता है, और अगर उसके आसपास है या उससे कम है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना। तो यूनिट में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो इससे यूनिट से ऐसे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ इनमें से किसका मात्रक है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसका मात्रक है?
आपके पास ऑप्शन है चार्ज यानी कि आवेश, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, एनर्जी यानी कि ऊर्जा या फिर चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। ओके सिमरन जी ने आंसर देखो कर दिया है, बहुत बढ़िया सही आंसर है भाई चार्ज। कुछ लोग कह रहे हैं रोशनी जी थोड़ा सा ध्यान दो भाई, चार्ज का नहीं होता, इलेक्ट्रॉन देख के आप लोग आवेश की तरफ जा रहे हो, वोल्ट देख के विभवांतर की तरफ जा रहे हो, दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर है एनर्जी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, एक जूल यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है ऊर्जा का मात्रक। कोई बात नहीं, आपको यह अभी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, जब आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप जितने भी मात्रक हैं वो सब अपने आप आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके मात्रक याद होते चले जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया, बाकी हमने कुछ स्टैंडर्ड भी आपको दे दिए हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, जैसे एक फुट में कितने इंच होते हैं, एक यार्ड में कितने फिट होते हैं, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आपको हम रिकैप करा देते हैं सारा जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से सबसे पहले हमने जाना फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें मैटर एनर्जी और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, पदार्थ ऊर्जा और उनके बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर हमने बात करी क्वांटिटीज यानी कि राशियां, तो हमने देखा राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक फिजिकल और दूसरा नॉन फिजिकल यानी कि भौतिक और गैर भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें कहा गया जो मेजरेबल है यानी कि जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, दूरी, बल, ये सब मापे जा सकते हैं, तो वो सब भौतिक राशियां कहलाते हैं। फिर इनके अलावा जितने भी बच गए हैं वो सब गैर भौतिक राशियां जिनको नहीं मापा जा सकता, जैसे आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, हमारा यूनिवर्स, ये सब नहीं मापा जा सकता, तो ये गैर भौतिक राशियां कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भौतिक राशियों अगर मापी जा सकती हैं तो हमने कितनी कैटेगरी में भौतिक राशियों को बांटा, तो हमने उनको मापने के लिए मात्रक बनाना जरूरी था, और मात्रक बनाने के लिए हमने दो तरह से भौतिक राशियों को बांट लिया, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल वो हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, स्वतंत्र हैं, और जिनको मापने के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो फंडामेंटल यूनिट यूज किए जाते हैं, इन्हें सात प्रकार की होती हैं। व्युत्पन्न राशियां जो हैं जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं और इनके लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अच्छा भाई, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल में बात करी, तो फंडामेंटल को बनाने से पहले हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखा। सिस्टम ऑफ यूनिट आपके तीन प्रकार के शुरुआत में बनाए गए थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस का मतलब मास जो है वो किलोग्राम में, लंबाई मीटर में और समय सेकंड में, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग चलते थे, इसलिए हमने बनाया एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि एसआई सिस्टम कहलाया, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल था पूरी तरह से। फिर हमने इसके बाद बात करी कुछ सात प्रकार की मूल राशियों की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके लिए जो यूनिट यूज किए गए वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये यूज किए गए। अच्छा भाई, इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं, पूरक मात्रक भी होते हैं, जो एंगल नापते हैं, कोण नापते हैं। तो एक होता है 2D एंगल जो आपका थ्रू डायमेंशन में मेजर किया जाता है, उसके लिए मात्रक यूज करते हैं रेडियन, और एक होता है 3D एंगल जो ठोस कोण नापता है, जिसके लिए मात्रक यूज करते हैं स्टेरेडियन। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमसे पूछा जाए कि मूल राशियां या मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में अगर 9 था तो आप 9 चूज करेंगे, नहीं तो 7 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद डिराइव्ड की बात करी, तो जिनके पास फॉर्मूला है जो मूल राशियों से आए हैं वो सारे के सारे डिराइव्ड कहलाते हैं, बस इतना सा पॉइंट है। फिर हमने बात करी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की जो लंबाई के छोटे मात्रक है, जैसे पिकोमीटर परमाणु की त्रिज्या नापता है,
10 टू द पावर माइनस 12 मीटर इसका यूनिट होता है, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 6, मिलीमीटर माइनस 3 और सेंटीमीटर माइनस 2। फिर हमने वहां पे बात करी आगे एंगस्ट्रॉम, जो कि लंबाई का छोटा मात्रक है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। दूसरा फर्मी, फर्मी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, एक फर्मी में 10 के घात माइनस 15 मीटर होते हैं जो नाभिक की त्रिज्या नापने के काम आता है। नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, यह भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नापने के काम आता है। फिर हमने लंबाई के कुछ बड़े मात्रक देखे। सबसे पहला लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट जो है वो एक साल में जितनी दूरी तय करती है वही दूरी वन लाइट ईयर कहलाती है। लाइट की स्पीड आप सबको पता है निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, और इस स्पीड से जब वो एक साल तक चलती है तो जो दूरी तय करती है वो है 9.46×10⁵ मीटर। इतनी दूरी तय करती है लाइट एक साल में, इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा भाई, अगला आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी। ये सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब 1.49×10⁻¹ मीटर, या फिर 1.5×10⁻¹ मीटर भी कहा जाता है। फिर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आता है पास एक, जिसमें एक पास एक में 3.26 लाइट ईयर और 3.08×10⁻¹⁶ मीटर होता है। पारसेक का ही फुल फॉर्म होता है पैरालिटिक सेकेंड। अच्छा, फिर हमने द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक देखा जो है 1 CSL, एक चंद्रशेखर सीमा। 1 CSL तारों के द्रव्यमान नापने के काम आता है, जो कि होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। यानी कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज्यादा है तो वो मरने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनता है, और अगर उसका द्रव्यमान 1.4 गुने तक ही है या उससे कम है तो वो मरने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनता है। बस इतना सा पॉइंट यहाँ पे आपको समझना था, ठीक है भाई। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ये हमने आपको बता दिया। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट आपको बता दिए, और अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसका टेबल हमने आपको यहाँ पर दे दिया है भाई। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इन्हें आपको रटना नहीं है। ये आपको मैंने इसलिए यहाँ पर दे दी है कि जब आप आगे पढ़ेंगे टॉपिक तो वहां पर आपको धीरे धीरे सारे सिखा दिए जाएंगे, फिर आप एक साथ इन्हें यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है बार, ये दाब का मात्रक होता है, तो एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो ये जो पास्कल है देखिए ये दाब के मात्रक है। इसके मात्रक है भाई दाब के, तो एक बार में 10^5 पास्कल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आ रहे हैं और उसको आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे मीटर पर सेकंड बनाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और उसको किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आप इसके उल्टा यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे डाइन और न्यूटन, आपको पता है कि एक न्यूटन जो है वो SI मात्रक होता है, लेकिन पूछते हैं बताओ इसका एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यह इसका CGS यूनिट होता है CGS। तो एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो कि सर एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो 1 डाइन में 10^-5 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं, जब आप मोटर वगैरह खरीदने जाते हो तो उससे पूछते हो ना कितने हॉर्स पावर की मोटर है, तो वो आपको बताता है भैया इतने हॉर्स पावर की है, तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। और ये किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है यानी कि पावर का। इसके बाद और भी कई सारे स्टैंडर्ड है, जैसे 1 kWh ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, जिसमें कितने जूल होते हैं, ये सारे के सारे अर्घ में कितने जूल होते हैं, अर्घ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, पेपरों में बहुत आया है। एक जूल, जूल तो आपका SI सिस्टम में यूनिट होता है, में कितने अर्घ होते हैं, अर्घ होता है CGS यूनिट। तो पूछा जाता है एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो भाई आंसर आता है 10^7 अर्घ होते हैं, लेकिन अगर उल्टा कर दें
ये एक अर्घ में कितने जूल होते हैं, तो बस 10^-7 का दीजिए, और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है, 10^-7 का दीजिए, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहां से एक छोटू सा क्वेश्चन देखो आया, लाइट ईयर इनमें से किसका मात्रक होता है, तो अब तो आप बता ही सकते हो भाई, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है इसमें से, जल्दी से बताओ। प्रकाश वर्ष इसमें से किसका मात्रक है भाई, फटाफट आंसर दें भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा है आपसे। बिल्कुल डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 9.46×10^15 मीटर होते हैं, बस ऐसे याद रखना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है आपका, पैरेलिटिक सेकंड इनमें से किसका मात्रक है, तो जो हम पीछे आपसे पूछ ही चुके हैं, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। तो ये आपका यूनिट का पोर्शन यहीं पे हो गया कंप्लीट। तो पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ाया, कोई समस्या या कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वॉइस क्वेरी है तो वॉइस क्वेरी भी कर सकते हैं। बाकी आप घर पे इतना पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अगली क्लास में पढ़ाएंगे मोशन यानी कि गति के बारे में, दूरी है, विस्थापन है, चाल, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ भी पूछना या कोई भी डाउट नहीं है, तो चलो भाई सेशन को यहीं पे करते हैं फिर क्लोज। ओके, थैंक यू।